मोदी जी की सरकार का क्या संकल्प है उसको दर्शाने वाला बजट, और पिछले 3 दिन से जो चर्चा सदन में चल रही है, ऐसा लग रहा है कि बजट पर भाषण देने के बजाय नरेंद्र मोदी जी की आलोचना पर यह पूरा बजट भाषण चल रहा है। भाई बजट पर बोलिए, और पूरा विपक्ष का जो भाषण का जो टोन है वो यह दर्शाता है कि जैसे नरेंद्र मोदी जी का चेहरा इनको पसंद नहीं आ रहा हो, ये उससे नफरत कर रहे हैं। लेकिन अब अगर आप नफरत कर रहे हैं, आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो क्या करिएगा? इस देश की जनता ने उनके चेहरे को पसंद किया और तीसरी बार उनको देश की सत्ता संभालने की जिम्मेवारी दी। 60 वर्ष के बाद जयप्रकाश जी, मोदी जी की उपलब्धता है कि 60 वर्ष के बाद, आजादी के बाद तीसरी बार किसी को इस देश की सत्ता संभालने का मौका मिला है। ये उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, उनके पेट में दर्द हो रहा है। अब सच्चाई को नहीं पचा रहे हैं, अब इस देश की जो सच्चाई है उसको ये अगर नहीं पचा पा रहे हैं तो हम लोगों का क्या दोष है भाई? लेकिन हमारा एक परामर्श है इनको सभापति महोदय, कि सच्चाई को जितना जल्दी, इन्होंने भाषण किया, कोई नहीं बोला, फिर क्यों बोल रहे हैं? माननीय मंत्री जी आप चेयर से करें। जयप्रकाश जी सुन लीजिए, आप जब बोल रहे थे समय भी अधिक दिया गया, किसी ने आपको व्यवधान नहीं किया। अगर आप खड़े होंगे नहीं, आप परंपरा सीखिए, आप वरिष्ठ सदस्य हैं, बैठ जाइए, आप परंपरा सीखिए। आपके किसी स्पीच पे किसी ने व्यवधान नहीं किया, आपको अवसर है, आपकी पार्टी को अवसर है। माननीय मंत्री जी जो बोल रहे हैं उसका जवाब आपकी पार्टी देगी, आपके पार्टी के नेता दे देंगे। सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ये बोल रहे हैं, कुछ दिन हम लोग इन लोगों के साथ भी थे और वहां जाके पता चला कि गिद्ध की तरह जैसे लाश को नोचने का काम ये लोग करते थे। हम लोग विदा हो गए, प्रणाम करके इधर चले आए कि भैया वही काम करते रहो। अंदर में गठबंधन के अंदर ये लोग लॉबी चलाते थे, और लॉबी चला के कैसे किसका मतफटौल करावे इसकी योजना बनाते थे। हम लोगों ने प्रणाम किया, इधर चले आए। तो इसलिए छोड़ दीजिए, जरा हम आपको बता देते हैं। तो इसलिए आप बोलिए सभापति महोदय, सच्चाई इनको सुनना नहीं है, आप ही का विषय नहीं है। आप जो बोल रहे हैं वो रिकॉर्ड पे जा रहा है, किसी भी माननीय अन्य सदस्य का बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही, केवल आपकी रिकॉर्ड। हम इनको बता रहे हैं सभापति महोदय, आप बैठिए स्वागत राय जी, बैठ जाए। नहीं, जब आपको अवसर दूंगा तब आप बोलेंगे। आपको भी नो पॉइंट ऑफ ऑर्डर प्लीज माननीय मंत्री। सभापति महोदय, इनको हम बता रहे हैं कि जितना जल्दी इस सच्चाई को पचा लीजिएगा उतना ही आपके मन को शांति मिलेगी, नहीं तो पूरा मन विचलित रहेगा आपका और पांचों साल इसी तरह विचलित रहिएगा। 99 का आंकड़ा बड़ा खराब होता है सभापति महोदय। लूडो पता नहीं गौरव गोगोई जी और बाकी लोगों ने खेला है कि नहीं खेला है। लूडो खेल के 99 पर पहुंचते हैं और जब सांप काटता है तो 0 पर पहुंच जाते हैं, यही हाल है। तो इसलिए जरा इनको मन की शांति को जितना जल्दी ये शांत कर ले और देश की सच्चाई को जितना जल्दी ये स्वीकार करेंगे उतना ही इनके लिए चैन मिलेगा, इनको भी चैन मिलेगा और देश को भी चैन मिलेगा। और इस देश में जो नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर बनाने का जो काम प्रारंभ किया है वो आगे बढ़ता रहेगा, उसमें व्यवधान ये नहीं डालने का प्रयास करें।
नो पॉइंट ऑफ ऑर्डर ड्यूरिंग एनी मिनिस्टर स्टेटमेंट या स्पीच, आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर आप लिख के भेज दें, आप लिख के भेज दें। बजट का ही स्पीच चल रहा है, बैठिए। आपको बजट समझ में आता, आपको बजट में अभी बता देंगे। एक अगो का बजट का भाषण, बजट समझ में आ रहा है। तीसरे कार्यकाल का जो पहला बजट आया, अब इनको नहीं दिखाई पड़ रहा है। इनका एक एजेंडा रहता था, बेरोजगारी है इस देश में, रोजगार पर चर्चा नहीं हो रही है। इस पहले बजट में 4.1 करोड़ रुपए 1 करोड़ लोगों के रोजगार सृजन की चर्चा है, वो इनको दिखाई नहीं पड़ रहा है। वो इनको दिखाई पड़ेगा भी नहीं, क्योंकि मन तो इनका विचलित है, मन इनका अशांत है, तो कहां से दिखाई पड़ेगा इनको। अब वास्तव में हुआ क्या है कि तीसरे कार्यकाल का ये पहला बजट आया, मोदी जी ने पहला बजट मोदी जी की सरकार ने पेश किया, और जो पहला गुगली मोदी जी ने फेंका है इस बजट के माध्यम से, तो ये बोल्ड आउट हो चुके हैं, और उसी बोल्ड आउट की छटपटाहट में ये अपना भावना व्यक्त कर रहे हैं, विधवा विलाप किए जा रहे हैं। अरे विधवा विलाप करने से क्या होगा? सच्चाई यही है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और पूर्ण बहुमत के साथ हैं, इस सच्चाई को स्वीकार करिए। और अभी तो शुरुआत हुआ है, अभी तो शुरुआत हुआ है, तो पहला साल है, अभी 5 साल देखिए, 5 साल के बाद मैदान में कहीं नजर नहीं आइएगा, वही होगा कि 99 पर सांप काटेगा और 0 पर पहुंचिएगा, यही होने वाला है। कई पार्टियों ने चर्चा की, कहा कि 2 राज्यों को खुश करने की बात हुई है। अरे भाई, 2 राज्य को सरकार बचाने के लिए, कई बात सरकार बचाने की कौन सी बात है? ये प्री पोल अलायंस है, और हमारा हो या तेलुगु देशम पार्टी का हो, प्री पोल अलायंस है, और यह अलायंस फेविकोल से सटा हुआ है, आपके साथ भी रख के आपका चरित्र भी देख चुके हैं, गिद्ध की तरह आप लोग नोचते हैं, सत्ता मिला नहीं कि कैसे सत्ता को घींचते रहे, ये काम करते रहे आप लोग। हम लोगों ने प्रणाम किया और चल दिए। इसलिए आज जेडीयू हो या टीडीपी हो, सत्ता के साथ प्री पोल अलायंस में हम लोग सरकार में आए, और प्री पोल अलायंस 5 साल का पूर्ण बहुमत मिला है, आप क्लीन बोल्ड हो चुके हैं, चिंता मत करिए। सभापति महोदय, हम पर अभिषेक बनर्जी जी का भाषण पढ़ रहे थे। अच्छा, विभाग आपको ये सब यही काम तो करते रहे आज तक आप लोग, आप लोग यही काम करते रहे, आप चेयर पर गिद्ध के तरह कैसे नोचना है, ये सब नहीं होता है यहाँ, आराम करिए आप। महोदय, हम अभिषेक बनर्जी जी का भाषण पढ़ रहे थे। अभिषेक बनर्जी जी ने भाषण दिया और कहा कि मोदी जी का 4 जून 2024 को जो पहली सरकार बनी, रिजेक्टेड द पीपल ऑफ इंडिया, विच वॉज रिजेक्टेड बाई पीपल ऑफ इंडिया। वाह रे भाई, आपके आपके ज्ञान का हमको प्रशंसा करना होगा कि पूर्ण बहुमत की सरकार, आप कह रहे हैं कि रिजेक्टेड बाई द प्लान पीपुल्स ऑफ इंडिया। वाह, पूर्ण बहुमत नहीं दिखता है इनको। अरे सच्चाई को अभिषेक बनर्जी जी स्वीकार करना चाहिए। इन्होंने कहा क्या भाषण में? वक्त बदल गया है। हाँ, अभिषेक बनर्जी जी, वक्त जरूर, सभापति महोदय, वक्त जरूर बदल गया है, वक्त जरूर बदल गया है, क्योंकि मोदी जी पूर्ण आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ तीसरे कार्यकाल में आत्मनिर्भर भारत बनाने की ओर चल चुके हैं, इसलिए वक्त बदल गया है, आपको दिखाई नहीं देता है, तो उसमें हम क्या करें, आंख का जांच कराइए और चश्मा लगाइए, दिखेगा आपको कि इस देश की जनता ने क्या किया। हमको आशा करते थे, हम उम्मीद करते थे कि अभिषेक बनर्जी जी जब भाषण दे रहे थे तो वो कहते कि पश्चिम बंगाल में महिलाओं के चिरहरण का जो वीडियो वायरल हो रहा है उस पर क्षमा मांगते इस देश से, उस पर इस देश से क्षमा मांगते, लेकिन नहीं मांगे, नहीं मांगे।
नहीं मांगेंगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल में वे जैसे चिरहरण हो रहा है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है और जो आम लोगों पर अत्याचार हो रहा है वो उनको नहीं दिखता है। अभी इसी सदन में अभी बता रहे जयप्रकाश जी, अरे जयप्रकाश जी माननीय मंत्री, आपको बता रहे हैं मंत्री जी, आप चेयर को एड्रेस करें। सभापति महोदय, सभापति महोदय, इसी सदन में अधीर रंजन चौधरी जी ने अपने मन का भड़ास और मन का तकलीफ कई बार सदन के पटल पर उतारा। दिशा की मीटिंग नहीं हुई 5 साल तक, दिशा की मीटिंग नहीं होने दी पश्चिम बंगाल की सरकार ने। और लोकतंत्र की बात करते हैं, इनको क्या अधिकार है लोकतंत्र की बात करने का? इनको कौन सा हक है लोकतंत्र की बात करने का? कृपया, रिकॉर्ड में है, माननीय सदस्य ने जो नाम लिया है, गौरव माननीय सदस्य ने जो नाम लिया है वो रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। जो माननीय सदस्य ने नाम लिया है, आई थिंक सो यू शुड हैव पेशेंस टू हेयर मी, यू मस्ट हैव पेशेंस टू हेयर मी। जो नाम उन्होंने माननीय सदस्य का लिया है वो रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। अरे 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 गौरव, आप बैठिए। अरे गौरव गोगोई जी, आप इधर बोलिए चेयर से, आप नाम मत लीजिए। आप माननीय सभापति महोदय, सभापति महोदय, माननीय सदस्य गौरव गोगोई जी को नहीं, वो भी थे यहाँ, वो इस सदन में प्रेजेंट थे जब अधीर रंजन चौधरी नहीं, उनका नाम मत लीजिए, वो सदन के सदस्य नहीं, सदन के नहीं, ठीक है, इसलिए मैं नाम, ठीक है, हाँ ठीक है। आप पूर्ण हो गया, विड्रॉ कर लिए उनका नाम, नाम उनका हमने वापस ले लिया। सभापति महोदय, उनका नाम हमने वापस ले लिया, लेकिन सच्चाई है कि 17वीं, बैठ जाइए ना जयप्रकाश जी, बैठ जाइए। हुडा जी अंदर जाने वाले, बैठिए आप, ये ना आप अपना सभापति महोदय, अपना भाषण, सभापति महोदय, मैं ये कह रहा था कि 17वीं लोकसभा के दौरान जब आपका अवसर आएगा तो बोलिएगा प्लीज जयप्रकाश जी, प्लीज हुडा जी, तो कहना चाहिए इनको, कहना चाहिए जो है बॉन्ड थ्रू, अरे इनको कहना चाहिए कि पश्चिम बंगाल में जो चिन्हरण हुआ वो जायज था, यही कह दीजिए देश के सामने, यही कहिए। माननीय मंत्री आप कृपया बैठे, मैं दूंगा, इनकी बात खत्म कर दीजिए, आप बैठ जाए जयप्रकाश जी, आप बैठ जाए, बैठ जाइए ना, ये क्या बात है, आप जयप्रकाश जी बैठ जाए, बैठ जाए माननीय सदस्य, ऐसे सदन ऐसे नहीं चलता। माननीय मंत्री जी आपसे आग्रह है कि आप अपना भाषण कृपया संक्षिप्त करें और आप माननीय, चलिए माननीय सदस्य का नाम, महोदय मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, मैंने नाम वापस ले लिया, नाम हमने विड्रॉ कर लिया। अब हम ये कह रहे हैं कि 17वीं लोकसभा में उस समय माननीय विरोधी दल के नेता और सबसे बड़े पार्टी के जो नेता थे, उन्होंने सदन के अंदर कई बार अपनी पीड़ा का इजहार किया कि उनके क्षेत्र में दिशा की बैठक होने नहीं दी जा रही है, और गौरव गोगोई जी बैठे हुए थे, गौरव गोगोई जी उसके गवाह हैं, जयप्रकाश जी तो उसमें थे नहीं, ये कहां से जानेंगे, तो इसलिए गौरव गोगोई जी के सामने पीड़ा हुई। एगो सीट कांग्रेस को दिया, कांग्रेस ने दिया नहीं, एक कांग्रेस एक को सब, अब उसके बाद भी लगे हुए हैं, तो लगे रहिए मुन्ना भाई, कुछ न कुछ तो मिलेगा, लेकिन 99 वाला भी खतरा है, सांप का अगर काटा तो 0 पर आइएगा, लेकिन लगे रहिए, क्या करिएगा। और पूरा भाषण हमने शैलजा जी का भी सुना, शैलजा जी का भी भाषण हमने पूरा सुना, और शैलजा जी का भाषण हमने सुना वो पूरा हरियाणा केंद्रित है। अरे ये देश का बजट है, हरियाणा का बजट थोड़े है। जयप्रकाश जी भी अभी बोल रहे थे,
पूरा हरियाणा केंद्रित है। अरे देश का बजट है भैया, देश पर बोलो, देश बस देश। और नरेंद्र मोदी जी पूरे देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये उनका संकल्प है, ये उनका आत्मविश्वास है। इसलिए मैं समझ दूंगा, मैंने कहा है मैं दूंगा। आप बैठ जाइए जयप्रकाश जी डिक्टेट नहीं कर सकते सदन में, आप बैठ जाएं। मैंने हुड्डा जी को कह दिया, रूलिंग दे दिया, आप बैठ जाइए। अब अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, वित्त मंत्री का आप बैठ जाएं, कृपया आप सब लोग बैठ जाएं। तो हमने ये कहा कि पूरे 3 दिन तक ये बजट पर कम बोलते रहे। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का चेहरा इनको पसंद नहीं था, तो इसलिए उनकी आलोचना में ये पूरा 3 दिन इन्होंने बिताया। अब बजट में जो प्रावधान है उसको इनको दिखाई ही नहीं पड़ा, वो देखना भी ये नहीं चाहते, इसलिए कि ये तो पीड़ा में है, अंदर से कष्ट में है, विचलित है। तो मन जब विचलित रहता है तो सच अच्छी बात दिखाई नहीं पड़ती है, इसलिए कह रहे हैं इनको। बजट के भाषण में, वित्त मंत्री जी के बजट के भाषण में साफ लिखा है कि 9 प्राथमिकताओं के संबंध में प्रयासों की परिकल्पना की गई है, और वो 9 प्रयास देश को आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में ले जाएगा, ये इस बजट में है, ये उनको दिखा नहीं। पहला क्या है, कृषि में उत्पादकता और अनुकूलता, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, विनिर्माण और सेवाएं, ऊर्जा सुरक्षा, अवसंरचना, नवाचार, अनुसंधान और विकास, और अगली पीढ़ी के सुधार। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो अभी की पीढ़ी के अलावा अगली पीढ़ी तक भी सोच रहे हैं, इनको ये दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो अभी दिखाई नहीं पड़ रहा है तो इसमें हमारा क्या दोष है? आपका मन विचलित है, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपके मन को जल्दी शांति प्रदान करे, आत्मा को जल्दी से विचलापन खत्म हो, ताकि आप उससे बाहर निकलिए और देश की कल्पना के बारे में सोचिए। इनको दिखाई नहीं पड़ रहा है कि रक्षा के क्षेत्र में माननीय वित्त मंत्री जी जो बजट पेश किया गया है उसमें 4.54 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, ये इनको तो दिख नहीं रहा। ये पूरा देश के लिए है, ये देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए है। इनको ये नहीं दिख रहा है कि ग्रामीण विकास के क्षेत्र में 2.65 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, वो इनको दिखेगा नहीं। इनको नहीं दिखेगा कि कृषि को अभी चर्चा कर रहे थे माननीय सदस्य श्री सभापति महोदय जयप्रकाश जी, कह रहे थे कृषि का बड़ा नुकसान हो रहा है। अरे कृषि के क्षेत्र में 1.52 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया है, वो आपको नहीं दिख रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में 1.25 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है, वो इनको नहीं दिख रहा है। स्वास्थ्य सूचना एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 1.16 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है, वो इनको दिख नहीं रहा है, इनकी नजर से ओझल हो रहा है। इनको दिख रहा है तो सिर्फ मोदी जी का चेहरा दिख रहा है, और मोदी जी का चेहरा देख के ये भड़क जा रहे हैं, बात देख नहीं रहे। लेकिन भड़किएगा तो क्या करिएगा, देश की जनता को वही चेहरा पसंद है, तो इसलिए वो चेहरा आगे बढ़ रहा है। ऊर्जा के क्षेत्र में, समाज कल्याण के क्षेत्र में, और कॉमर्स और इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में जो प्रावधान इस बजट में है वो इनको देख नहीं रहा। तो इनको दो बात दिख रहा है, एक बात मोदी जी का चेहरा जो इनको पसंद नहीं है, तो उसमें देश की जनता उनको पसंद करती है। आपके पसंदगी नापसंदगी का कोई अर्थ नहीं है, आप जितना जल्दी उसको स्वीकार कर लीजिए और मोदी जी का चेहरा पसंद करने लगिएगा, उतनी ही जल्दी आपके मन को शांति मिलेगी, ये हम आपको कह रहे हैं। और दूसरा इनको दिख रहा है बिहार और आंध्र प्रदेश। अरे भैया, ये जो पूरा बता दिए इसमें बिहार और आंध्र प्रदेश आता है क्या?
पूरा बिहार और आंध्र प्रदेश आता है क्या? पूरे देश के विकास के लिए मोदी जी संकल्पित हैं, मोदी जी की सरकार संकल्पित है, आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते रहेंगे, पूरी आत्मविश्वास इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और इसलिए इस बजट का हम समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।